अब तक शहर से उन ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के लिए ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। जिन छोटे छोटे ग्रामीणों तक यात्री बसों की उपलब्धता नहीं थी, इन मार्गों पर या तो लोग अपने निजी वाहनों से शहर तक पहुंचा करते थे, या फिर छोटे वाहन ऑटो या मैजिक के माध्यम से वे अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, जिससे निजी वाहन चालकों की मनमानी और क्षमता से अधिक बैठाने पर हादसे का डर भी हमेशा लगा रहता था। लेकिन मध्यप्रदेश की सरकार इन ग्रामीणों के लिए आवागमन के नए साधन खोज रही है। परिवहन विभाग के जिला अधिकारी बृजेश वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि यह शासन का पायलट प्रोजेक्ट है जो विदिशा जिले से प्रारंभ हो रहा है। अगर इस योजना पर सफलता प्राप्त होती है तो यह योजना पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। देखिए, सरकार की एक नई योजना आई है ग्रामीण परिवहन को लेके। हमारे अभी दूर दराज के ऐसे गांव हैं जहां पर लोक परिवहन सेवाएं जैसे बस वगैरह नहीं पहुंच पाती हैं, तो वहां के लोगों के लिए परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने एक ग्रामीण परिवहन योजना चालू की है। और गर्व का विषय ये है कि विदिशा को उसके पायलट क्रियान्वयन के लिए मौका दिया है, तो अगले 6 महीने के लिए हमें विदिशा में इसका क्रियान्वयन करना है और 6 महीने बाद पूरे प्रदेश में रोल आउट होगी। इसमें सरकार का मुख्य जो इसमें जो योजना में सरकार ने दिया है, इसमें जो भी गाड़ियां चलेंगी वो सारी टैक्स फ्री रहेंगी, उसमें सरकार कोई टैक्स नहीं लेगा। दूसरा, उल्टा इसमें इंसेंटिव देगी सरकार, प्रोत्साहन राशि देगी, जितना गाड़ी की सिटिंग कैपेसिटी है और जितना वो पर डे चल रही है उसके आधार पर एक RTC पॉइंट बनाए जाएंगे और उन पॉइंटों के एवज में उनको एक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये लगभग छोटी 7 सीट गाड़ी में लगभग 3200 रुपये बनती है और 20 सीट की गाड़ी में ये लगभग 8000 के लगभग 9000 के लगभग ये होता है, अगर 100 किलोमीटर प्रतिदिन गाड़ी संचालित करता है वो व्यक्ति। तीसरी, इसमें जो अहम बात है वो ये है कि इस योजना का फ़ायदा लेने के लिए वाहन 7 सीट से लेकर 20 सीट तक होना चाहिए। पायलट प्रोजेक्ट का शुरुआत जो हम यहाँ से करना है, 1 मई से हम शुरुआत कर रहे हैं। माननीय CM साहब इसमें स्वयं उपस्थित होकर इसकी शुरुआत करना चाहेंगे। ये पूरी योजना है, इसके प्रचार प्रसार के उद्देश्य से आज हम सरोज में भी आए हैं, बाकी जगह भी बारी बारी हम जा रहे हैं लोगों तक इस योजना का की जानकारी देने के उद्देश्य से। वहीं इस योजना पर स्थानीय बस संचालकों में भी खुशी की लहर है। उनका कहना है कि इससे उन ग्रामीणों को निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा जिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक बड़ी बसें नहीं पहुँच पाती थी। जनता को यह फायदा होगा, जिस रूट पर गाड़ियाँ नहीं है उस रूट का वो परमिट दे रहा है, वाहन चलवा रहा है प्राइवेट सरकार गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें वो संदेश देने आए थे उसके लिए, बस जिस रूट पे गाड़ियाँ नहीं उस रूट पे वो परमिट दे रहा, उस रूट पे पब्लिक को फ़ायदा होगा, जिस रूट पे गाड़ियाँ नहीं जाती वो मैजिक चलवाने का कह रहा हूँ। नहीं नहीं, हमारे रूट पे थोड़ी दे रहा हूँ, बस उनके रूट पे थोड़ी दे रहा हूँ। जिस रूट पे बसें चल रही हैं उस रूट का परमिट नहीं दे रहा, जिस रूट पे गाड़ियाँ नहीं है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर के एरिए में वहाँ वो परमिट देना चाह रहा है। कौन को गरीब मजदूरों। अब देखना ये होगा कि शिवराज सरकार इस पायलट प्रोजेक्ट में कितना सफल हो पाती है और इसका लाभ ग्रामीणों को कितना मिल पाता है। सिरोंज से मोहम्मद फरहान की रिपोर्ट।